सीवान लोकसभा चुनाव को लेकर राजद की प्रत्याशी हिना साहब ने आज सीवान जिले के पचखी ब्लॉक के कई गांवों का दौरा किया। आपको बताते चले कि हिना साहब सबसे पहले पचुरखी पहुंची, उसके बाद नौरंगा और फिर कई गांवों में पहुंची, जहां पर दलित बस्तियों में भी पहुंचकर उन्होंने कई लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जैसे ही हिना साहब दलित की बस्ती में पहुंची तो वहां पर महादलित महिलाओं ने काफी जोरदार तरीके से हिना साहब का स्वागत किया। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। एटीएन लाइव के लिए बंटी के साथ सोमेश की रिपोर्ट। सीवान लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का दौरा क्षेत्र में होता दिखाई दे रहा है। और इसी क्रम में सीवान की राजद प्रत्याशी हिना साहब आज पचुखी प्रखंड के कई जगहों पर पहुंची है। आप देख सकते हैं कि दलित बस्ती में यहां पर पहुंची थी और यहां पे काफ़ी लोगों ने इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। हिना साहब और राजद के जिला अध्यक्ष परमात्मा राम, इनके साथ तमाम लोग ये मौजूद यहां पर हैं। तो आपको बताते चले कि जहाँ जहाँ हिना साहब जा रही हैं, लोग काफ़ी ज़ोरदार तरीके से इनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जो वायदे किए गए थे उस वायदे पर नेता खड़े नहीं उतरे। देखिए कि डोर टू डोर घूम रही हैं और जनता का काफ़ी समर्थन मिल रहा है हिना साहब का। आप देख सकते हैं महिलाओं से मिल करके किस तरह से एक महिला होकर के और कड़ी मेहनत कर रही हैं। तो आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम आपको पचुरखी प्रखंड के गांव से दिखा रहे हैं कि दलित बस्ती में आई हुई हैं और महिला से मिल रही हैं। राजद की उम्मीदवार हैं हिना साहब और आज पचुरखी प्रखंड के कई गांवों का इन्होंने दौरा किया। लोगों का सहयोग काफ़ी इन्हें मिल रहा है और इसीलिए पहुंची है। मैडम, आज दलित बस्ती में पहुंची हुई हैं और काफ़ी महिलाओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिली, क्या कहेंगे आप? दलित नहीं कहें, वो सब हमारे सीवान जिला के परिवार के लोग हैं। उसमें जाति समाज से ऊपर उठकर सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। सभी महिलाओं का मान सम्मान हम देने का वादा कर रहे हैं और उसे हम पूरी अपनी उम्मीद पर उनकी उम्मीदों पे पूरी खरी उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जो मुजफ्फरपुर बालिका गिरी कांड हुआ वो किसी भी हमारी बहनों के साथ ना हो। नहीं नहीं नहीं, सब लोग इसे संगठन मजबूत कर रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं जाति धर्म से ऊपर उठकर। तो अब क्या होना चाहिए आपके नज़र से, लोगों को किस तरह से जवाब देना चाहिए जो विपक्षी इस तरह का कार्ड खेल रहे हैं? वो लोग वोट के माध्यम से जवाब देंगे। चलिए, ये थी हिना साहब। हालांकि हमने आपको कई जगहों से दिखाया कि किस तरह से राजद की जो उम्मीदवार है हिना साहब पहुंच रही हैं और लोग काफ़ी ज़ोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से हम आगे की तरफ भी चलेंगे और वहां भी दिखाएंगे कि जब राजद की प्रत्याशी हिना साहब पहुंची तो लोगों ने किस तरह से उनका स्वागत किया। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, शायद यहीं के रहने वाले आप लोग हैं। हिना साहब पहुँची थी, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया यहाँ पे आप लोगों से? जी, इससे पहले जो मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे वो युवाओं के लिए बहुत सारे विकास किए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, ब्लड बैंक खुलवाए, सदर अस्पताल में बहुत अच्छी इलाज चलती थी। आज जो स्थिति परिस्थिति है, एक आम नागरिक असहाय हो चुका है। 300 रुपया कमाने वाले को घर पे शाम को दो वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़ गए हैं। इसके लिए ये जो NDA गवर्नमेंट है, ये टोटली जिम्मेवार NDA गवर्नमेंट है, ठीक है। ये यहाँ के आम आवाम चाहती है कि इस गवर्नमेंट को बदल के जो पहला था सिस्टम, हमारे जो खुशहाल जो आम जनता थी उनको फिर पटरी पर लाया जाए। यानी कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। जी जी बिल्कुल, जनता बदलाव। अपना नाम बता दीजिए। जी, नंदलाल कुशवाहा, प्रदेश महासचिव RLSP। नंदलाल कुशवाहा हैं प्रदेश महासचिव RLSP के। और इसी तरह से एक एक लोगों से हम चलेंगे और बातचीत करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो इधर जो भी लोग यहां पर हैं, ये महादलित टोला, जैसे कि यहां ये लोग यहां पर मौजूद हैं जहां पर हिना साहब पहुंची और महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी। और जिस तरह से आज महिलाओं ने आज राजद के उम्मीदवार हिना साहब का स्वागत किया है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के दिन जो चुनाव होगी और जो लोग वोट डालेंगे कुछ नया कारनामा दिखाई देगा। लेकिन EVM के अंदर वो लोगों की वोटिंग जो होगी वो किसके पक्ष में होगा, यह कहना अभी नामुमकिन है। यह तो 12 मई को जब चुनाव होंगे और जब EVM मशीन में लोगों का जो मत होगा वो बंद हो जाएगा, जो उस EVM मशीन से जिन निकलेगा तो ही पता चल सकेगा कि सीवान का जो ताज है वो किसके सर होगा।
हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान।